शिवपुरी के वार्ड क्रमांक 24 पुरानी शिवपुरी मोती मस्जिद गली नंबर 2 मठ के सामने गंदगी के कारण वार्ड वासी पिछले 1.5 साल से परेशान हो रहे हैं। यहां नाली निर्माण न होने की वजह से गंदगी का ढेर लगा हुआ है। इस गंदगी की वजह से एक नई बीमारी ने भी जन्म ले लिया और छोटे छोटे बच्चे बीमार होने लगे। वार्ड वासियों का कहना है कि रात में इस गली से निकलना मुश्किल हो जाता है। आए दिन कोई न कोई इस कीचड़ का शिकार हो रहा है। वार्ड वासियों का कहना है कि हमने इस गली की गंदगी की शिकायत कई बार 181 और नगर पालिका में भी की, लेकिन 1.5 साल से सोती हुई नगर पालिका की नींद इस गली की तरफ नहीं खुली। गंदगी की वजह से तरह तरह के मच्छर पनप रहे हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है भाजी आपका? फातिमा बी। ये गंदगी हो रही है, कब से समस्या हो रही है? 1.5 साल हो गई। तो कोई इसकी शिकायत वगैरह आपने कहीं करी? सब जगह कर ली, कोई नहीं सुनता। 181 वगैरह लगवाई आपने? इसकी 181 शिकायत लगाते हैं, करी आपने? करी थी। कोई सुनवाई नहीं हुई? नगर पालिका में सब जगह लगा दी। जन सुनवाई लगाई मंगलवार को आपने? सब लगा दी मंगलवार को, सब भोपाल में। कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई सफाई करने आता है। कितने दिन से नहीं आया सफाई करने? वो तो आए, एक साल से नहीं आते, कभी नहीं आते। एक साल से ऐसे ही पोजीशन है। तो रात में तो कोई लाइट ना होने के कारण तो गिरते होंगे इसमें? वगैरह कहीं नहीं जा पा रहे। अच्छा, ये गंदगी के मारे? गंदगी के वजह से बीमार भी पड़ रहे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।